जान साहब का जो अगवा होने का, अब्डक्ट होने का इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान की प्रेस फ्रीडम्स के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, वो हमारा आईन के खिलाफ है, हमारे कानून के खिलाफ है। और जब तक पाकिस्तान में हमारा इंसानी हकूक का तहफ़ नहीं होंगे, तब तक हम अपने अवाम के जो मिसाइल है, अपने अवाम के जो मुश्किलात है, उनका हल भी नहीं निकाल सकेंगे। सहाफ़ी दोस्तों के साथ इजहार यकजहती के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मतीउल्लाह जान का अगवा आईन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत किसी से बात करने का हक नहीं छीन सकती। जब तक आईन और इंसानी हुकूक का तहफ्फुज नहीं होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। फासिस्ट हुकूमत इतनी कमजोर है कि किसी भी सहाफी के तनकीदी नोट से बुखला जाती है। वेब चैनल्स पर हुकूमती नाअहली बेनकाब करने वाले सहाफियों को भी बर्दाश्त नहीं कर रही। मीडिया वर्कर्स को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान से मुलाकात। अगर ये हम ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 94 है यूएन चार्टर का, वो आप देख लें, साथ साथ आर्टिकल 60 है आईसीजे स्टैट्यूट का, वो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के जाने की। और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनैलिटी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने एक आध जगह ये ज़रूर कहा कि सर बहुत सी चीज़ों में हम सियासत कर लें, यहाँ बड़े सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने ये बहुत रिस्पॉन्सिबली ये काम किया है। कुलभूषण यादव को छोड़ने का भारतीय मुतालबा नहीं मानेंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए जासूस की सजा खत्म नहीं की गई। ऑर्डिनेंस इसलिए लाए कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। काउंसलर रसाई नहीं देंगे तो भारत दुनिया में शोर मचाएगा। ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत आलमी कानून से फायदा उठाता। हमने ऑर्डिनेंस लाकर भारत के हाथ काट दिए। हसास सिक्योरिटी मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन को मोदी का यार कभी नहीं कहा। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असम्बली इजलास से पहले ऐवान सदर में फरोग नसीम ने तीसरी बार वजारत का हल्फ भी उठाया। मैं इस हाउस को बताना चलूं कि अभी जो मंजूरी हुई है पाकिस्तान के अंदर जितने यूटिलिटी स्टोर्स थे उससे कई गुना ज्यादा 50,000 यूटिलिटी स्टोर नए का कायम होगा, और उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू वो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के नौजवान अगर अपना यूटिलिटी स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको कर्ज भी दिए जाएंगे और हुकूमत उसमें इमदाद करेंगे, वो अपना बिजनेस मॉडल लेके आएंगे। लेकिन उसमें 50,000 जो है वो यूटिलिटी स्टोर का भी कायम होगा, जिसका ऐलान भी हो चुका है और जिसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। हुकूमत का मुल्क भर में मजीद 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का ऐलान। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को खोल कर दिए जाएंगे। पीआईए में जाली लाइसेंसेस पर भर्तियां की गई। इंक्वायरी में बहुत से पायलट्स के लाइसेंस मशकूक निकले। 17 पायलट्स, 96 टेक्निकल स्टाफ को नौकरियों से निकाला गया। जाली भर्तियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कराएंगे। पीआईए की निष्कारी नहीं की जाएगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का सेनेट में इजहार ख्याल। पायलट्स के लाइसेंसेस की मंसूखी का एकदम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने सिविल एविएशन को ताहुक में सानी हतमी फैसला करने से रोक दिया। विफाकी हुकूमत, सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर फ्रीकैन को नोटिस। मलेशियन एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 18 पायलट्स के लाइसेंसेस को दुरुस्त करार दे दिया। मलेशियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ग्राउंड किए गए पाकिस्तानी पायलट्स बहाल कर दिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की सेनेट में विफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं साबिक वजीर सेहत को बदनवानी पर हटाया गया, जिसका एतराफ साबिक मुआवने खुसूसी इतलात ने किया। अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके आवाम से ज्यादती की गई।
मौजूदा हुकूमत ना अहल और नालायक है, एक टके का काम नहीं किया, सब जेआईटी में पकड़े जाएंगे। पंजाब में आटे का बहरान संगीन, फ्लोर मिल्स ने फाइन आटे की बोरी मजीद महंगी कर दी। मार्केट में आटे की बोरी 6,500 रुपए किलो में फरो। लाहौर में चक्की मालिकान ने आज से आटा 70 रुपए किलो कर दिया। नान रोटी एसोसिएशन ने भी रोटी और नान महंगी करने की धमकी दे दी। कराची में के इलेक्ट्रिक की नाअहली से लोड शेडिंग का चिन्ह बेकाबू। नाजमाबाद बल्दिया इतिहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, गुलशन गाजी, सोल्जर बाजार, माड़ीपुर, हॉक्स पे, मुशरफ कॉलोनी और दीगर इलाकों में घंटों बिजली बंद। लोगों ने बैटरीज और सोलर पंखे खरीदने शुरू कर दिए। कराची में कचरे और गंदगी पर सिंध हाईकोर्ट डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात पर बरहम। कराची का कचरा साफ करना किसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जस्टिस खादिम हुसैन शेख का डिप्टी सेक्रेटरी से इस्तफसार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है, क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? कचरा एक दिन वबाई सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। सियासी जमातें पावर में नहीं होती तो इख्तियारात मांगती हैं, इख्तियारात मिल जाए तो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती।